सांसद बनने के बाद भी इकरा हसन आराम करने के मूड में नहीं। जिसने जीत में निभाई अहम भूमिका, उन्हें शुक्रिया कहने में नहीं कर रही कोताही। टिकैत ब्रदर्स से इकरा हसन की मुलाकात, दोनों के घर जाकर की बात, दे दिया एक ऐसा आश्वासन, नरेश और राकेश टिकैत के चेहरे पर आई मुस्कान। नरेश और राकेश टिकैत से इकरा हसन का बड़ा वादा, वेस्ट यूपी के किसान सुनेंगे तो राहत की सांस लेंगे जरूर। कैराना से सांसद बनने के बाद इकरा हसन का अब भी वही रूटीन है, जिस रूटीन को करीब 1.5 साल से वो कैराना में रहकर अपनी जिंदगी में अमल कर रही हैं। सपा के सांसद इकरा हसन अब आराम करने के मूड में नहीं हैं। सांसद बनने के साथ इकरा हसन ने कुछ ऐसा किया जिसे जानकर पश्चिमी यूपी के किसानों के चेहरे पर चमक है, वो काफी खुश है। इकरा ने कुछ इस तरह का आश्वासन दिया जिसके आधार पर ऐसा लगता है इकरा हसन एक ऐसे नेता के तौर पर उभरने वाली है, एक ऐसे रास्ते पर चलने वाली है जिस पर चलने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह ता उम्र चले। वेस्ट यूपी के ज्यादातर लोग जिनमें किसानों की संख्या ज्यादा है, राकेश और नरेश टिकैत से जब इकरा हसन ने मुलाकात की तो अपने साथ इन दोनों भाइयों के लिए खास चीज ले गईं, जिस पर उनकी नजर पड़ी होगी तो चेहरे पर एक अलग ही तरह की खुशी आ गई होगी। इकरा अपने साथ नरेश और राकेश टिकैत के लिए वेस्ट यूपी की एक ऐसी मिठाई जो यहाँ के लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा है, इस तस्वीर में वो मिठाई दिख रही है, नाम लिखा है घेवर। इकरा खुद ये मिठाई टिकैत परिवार को खिलाना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले टिकैत परिवार ने इकरा की जीत को कुछ इस तरह से सेलिब्रेट किया, तस्वीर देख लीजिए। इकरा की जीत पर किसानों की हमेशा ही पैरवी करने वाले टिकैत परिवार खुश है। एक तरह से देखा जाए तो इकरा हसन के लिए राकेश टिकैत और नरेश टिकैत आरएलडी चीफ जयंत चौधरी से भी भिड़ गए। ये दोनों हमेशा से ही चाहते थे कैराना से इकरा हसन ही जीते, इसके लिए किसानों के बीच इन्होंने एक बड़ा मैसेज भी दे दिया, इसका परिणाम रहा इकरा हसन कैराना जीत गई। अब जबकि इकरा हसन सांसद बन चुके हैं तो उन्होंने किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान इकरा हसन ने उनसे जो वादा किया, जो खुद पहल कर आश्वासन दिया, उससे टिकैत ब्रदर्स के चेहरे पर मुस्कान आ गई, चेहरे पर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ गया। इकरा ने नरेश और राकेश टिकैत से अपनी मुलाकात के बारे में खुद ऐलान किया। इकरा कहती है किसानों की राजधानी गाँव सिसौली में पहुंचकर किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा नरेश टिकैत जी से आशीर्वाद दिया। कमोवेश ऐसा ही कुछ राकेश टिकैत के बारे में इकरा हसन लिखती हैं, कहती हैं किसानों की बुलंद आवाज किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत जी के आवास पर पहुंचकर आशीर्वाद दिया। ये नहीं दोनों का आशीर्वाद रहा जिसकी वजह से इकरा हसन ने शानदार जीत हासिल की। इकरा की लड़ाई में नरेश और राकेश टिकैत ने जमकर साथ दिया, आज इकरा हसन उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आई। माना जा रहा है राकेश और नरेश टिकैत को इकरा हसन ने वादा किया है। अब तक संसद में जिस मुद्दे के बारे में उतनी प्रमुखता से सवाल नहीं उठाया गया, उस मुद्दे को वो जरूर उठाएंगी। जी हां, नवनिर्वाचित सांसद इकरा हसन ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत और राकेश से उनके घर जाकर मुलाकात की। उन्होंने किसानों से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हुए संसद में किसानों की लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया। इकरा ने कहा कि जिस तरह से सभी किसानों ने एकजुट होकर वोट देकर जिताने का काम किया है, किसानों के साथ वो हमेशा खड़ी रहेंगी। किसानों ने बकाया गन्ना भुगतान, आवारा पशु, बिजली और सिंचाई के लिए पानी, बढ़ते बीज के दामों को लेकर वो संसद में किसानों की आवाज उठाएंगी।